हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। जी हाँ, गणेश चतुर्थी 2022 में कब है, मूर्ति स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। भगवान श्री गणेश धन्य ध्यान सुख और समृद्धि के देवता कहलाते हैं। श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि किसी भी कार्य के शुभारंभ में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, जिससे वे कार्य बिना विघ्न के संपन्न हो जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर साल भाद्रव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देश में गणेश चतुर्थी का पर्व उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी बुधवार को 31 अगस्त को है। इस दिन मंदिरों से लेकर घर घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना के बाद शीघ्र आने की कामना के साथ उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। जी हाँ, अनंत पूजा के दिन इनका विसर्जन हो जाता है। जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किस मुहूर्त पर करें गणपति की मूर्ति स्थापना, जिससे घर आए रिद्धि सिद्धि। गणपति स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त। इस साल भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना बुधवार के दिन की जाएगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी 31 अगस्त बुधवार से ही आरंभ हो रही है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बेहद खास होता है। भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 अगस्त दोपहर से शुरू होकर 31 अगस्त दोपहर 3:02 में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए चतुर्थी पूजन एवं स्थापना गणपति स्थापना के लिए 31 अगस्त दोपहर करीब 3:30 तक का समय शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं गणपति की स्थापना कैसे करें। गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना करते समय नियम और विधियों का पालन जरूर करें। सबसे पहले किसी चौकी पर जल छिड़के और इसे शुद्ध कर लें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रख दें। भगवान गणेश की मूर्ति को इस चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को स्नान कराएं या गंगा जल छिड़कें। मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। बता दें कि रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं। गणपति मूर्ति के दाईं ओर एक जल से भरा कलश रखें, हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान का ध्यान करें। गणेश जी के ओम गाह गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। कैसा लगा आप लोगों को गणेश चतुर्थी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।